समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को हिंदी समाज चैनल एबीपी न्यूज के कार्यक्रम शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में डिबेट के दौरान अखिलेश यादव ने शो के एंकर से कहा, आप बीजेपी की भाषा मत बोलिए। अखिलेश यादव के इस बयान पर कार्यक्रम में मौजूद सभी लोग हंसने लग गए। दरअसल कार्यक्रम में डिबेट के दौरान शो की एंकर रुविका लियाकत ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा, आपको याद है अखिलेश जी, जब नोटबंदी हुई थी तो आप दिल्ली में थे और चाय पर आपने मोदी जी से चर्चा की थी। इसके बाद अखिलेश यादव एंकर को बीच में रोककर कहते हैं, उनकी यानी मोदी जी की चाय इतनी बकवास चाय है कि मैं तो पी ही नहीं सकता। इसके बाद वो एंकर से कहते हैं, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं लखनऊ में था, मैं वहां नहीं था नोटबंदी के दिन। इसी पर रूबिका लियाकत कहती है, मुझे मायावती का बयान याद है, तभी आपको बबुआ कहा था उन्होंने। इस पर अखिलेश यादव कहते हैं कि ऐसी बातों को छोड़ दीजिए, भूल जाइए इन बातों को, वो मुझे क्या कहती है, मैं उन्हें क्या कहता हूँ, ये सब भूल जाइए, आप बीजेपी की भाषा मत बोलिए। उसके बाद वह आगे कहते हैं, बबुआ बोलने में क्या खराबी है, अगर हम बीजेपी के नेताओं को कुछ बोल दे तो। इसके बाद अखिलेश यादव ने एंकर से कहा कि आपने गलत सवाल किया, आपको पूछना चाहिए था कि बीजेपी के नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से क्यों धुलवाया। अखिलेश यादव के इस बयान पर कार्यक्रम में मौजूद सभी लोग हंसने लग जाते हैं।